हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक के बहुत ही टेस्टी पकोड़े। सर्दी का मौसम है और पकोड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, ये पालक हमने ले ली हुई है, इनके हमने डंठल तोड़ दिया है, धुली हुई है। ये धनिया भी धुला हुआ है, हमने इसके पत्ते पत्ते लिए हैं। ये एक हमने बड़ी प्याज ली हुई है, दो हरी मिर्चें ली हैं। दोस्तों हमने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है जिसको हम छान चुके हैं, और एक छोटी गिलासिया में हमने पानी लिया हुआ है। पानी आप ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। इन पत्तों को हम काट लेंगे दोस्तों, लंबा लंबा, ज़्यादा बारीक नहीं, इस तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे दोस्तों। ये हमने मिर्च भी काट ली है और धनिया भी। अब एक बर्तन में हम इसको पत्तों को सारे निकाल लेंगे पालक के। बस दोस्तों इस तरीके से, दोस्तों बहुत इजी तरीका बता रहे हैं हम पालक के पकौड़ों का, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। अब डाल देंगे कटी हुई बारीक प्याज। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप थोड़ा ही डालिएगा, मतलब ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच से कम, क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बाद में, आप पेस्ट बनाने के बाद नमक को डालिएगा। और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। अगर हमारा पेस्ट पतला हो जाएगा दोस्तों तो ये हमारे पकौड़े जो फैल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा बेसन। बेसन हमने आधी कटोरी और लिया था, टोटल डेढ़ कटोरी हमारा बेसन। और दोस्तों इस तरीके से इसको पेस्ट बना लेंगे। और अब तेल को हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे पकौड़े डालते रहेंगे दोस्तों, मीडियम आँच करके, ताकि हमारे पकौड़े क्या है, जले नहीं। मीडियम आँच करके हम जब सारे पकौड़े डाल लेंगे इस तरीके से, तब हम गैस को तेज करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सारे पकौड़े क्या है, डल चुके हैं इसमें। अब हम एक साइड से जब सिक जाएंगे तब इसको हम पलट पलट के हाई फ्लेम पे इनको पकाएंगे अच्छे से, पकौड़ों को अपने तलेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ब्राउन कर लेंगे हम अपने पकौड़ों को। देखिए दोस्तों हमारे सारे पकोड़े बढ़िया से पक गए हैं। अच्छे से पका लेंगे हम, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें और इनकी प्याज व्याज जो है पक जाए अच्छे से। हमने ज़्यादा बेसन नहीं डाला, उससे क्या है, थिक बन जाते हैं पकोड़े। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। इस तरीके से सेकेंगे हम अपने पकौड़ों को। ये देखिए दोस्तों, हमारे सारे पकौड़े अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बर्तन में, कितने बढ़िया पक कर आए हैं। सारे पकौड़ों को तल लेंगे दोस्तों हम अपने, सारे पकौड़े हम निकाल लेंगे अब अपने। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े बढ़िया निकाल लिए ना दोस्तों, हमारे सारे पकौड़े पक चुके हैं। इस तरीके से हमारे पकौड़े बने हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपने वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।